ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चोरी साहब, मुझे बताइए कि आपने चौहान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मलिक साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं, खुद भी आप सीनियर रहनुमा हैं, किस तरह से ये चीजें हल होंगी या ये सारी चीजें सरगोशियां हमेशा तहरीक इंसाफ का पीछा करते रहेंगी कि ये गठजोड़ है गठजोड़ है, और इस तरह से मामला जो है वो आने वाली नस्लें एहतसाब करवाने के लिए किसके पास जाएंगी जब इदारे ही डीपोलिटिसाइज नहीं हो सकेंगे, इदारे पॉलिटिकल मसाइल का शिकार हो जाएंगे और उन पर सारे सियासतदान उंगलियां उठाएंगे। नैब की बात कर लें बिलखसूस अगर, तो देखिए अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि उनके पास वो ट्रांसपेरेंसी ले आए और ये पिक एंड चूज की चीजें खत्म कर दें, ये पिक एंड चूज के जी ये है तो इसको उठा लें, ये है तो इसको नहीं उठाएं। आपके पास जो भी है उसके मुताबिक जो लॉ आपका कह रहा है उस पर सबके लिए एक जैसा लॉ इस्तेमाल करें, यह ना हो कि नून लीग के लिए कुछ और लॉ है, पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और लॉ है, पीटीआई के कुछ और लॉ है, किसी और ब्यूरोक्रेट के कुछ और लॉ है। ये चीज़ें जो है ना इससे लोगों के अंदर तासुर जाता है और फिर नेचुरली जिस तरीके से इमरान खान साहब और उनकी टीम जिस तरीके से इसको हाईलाइट कर रही है, उनका कोई रोल नहीं है हाईलाइट करने का, उनको पता है वो अपना काम करें, जो जो उन्होंने 100 दिन का वादा किया उसके तरफ तवज्जो दें। रोजाना आगे खबर सुना दे कि जी हमें खजाना खाली मिला, हम कुछ नहीं कर पा रहे, भाई ये कोई तरीका तो नहीं, सबको पता था खजाना खाली है। जब आप अपोजिशन बेंचों में बैठ के कहते थे खजाना खाली है, और आज भी असद उमर साहब ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से नहीं तलक हो रहा, आपके स्टेप्स देखे हैं कि आपने स्टेप लिया क्या है, आप उसके लिए करने क्या जा रहे हैं। जब आप करेंगे, देख रहे इस वक्त गुमगु सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, ना आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल को डॉलर ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ठीक है, ना आपके कंज्यूमर्स को कुछ पता चल रहा है। रोजाना प्राइसेस इंक्रीज आ रही है, आपकी प्राइसेस के कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, मुद्रा के अखराजात में भी इजाफा हुआ, ये भी हसन साहब से जानेंगे, वो भी उसके अंदर हर चीज में इजाफा हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा। और आप पासिंग द बक्स पुरानी बातें करी जाएंगे कि भाई उसने किया उसे, भाई आप अपना काम करें, लेट अदर, क्योंकि जब आप हमने सब ने कहा था अदारों को मजबूत करना है तो अदारों को अपना अपना रोल अदा करने दें, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस मत करें। जब आप इन्फ्लुएंस करते हैं कि मैं होता तो नैब का चेयरमैन तो मैं ये कहता, मैं उनको कहूंगा इनको पकड़े, तो ये कौन है भाई आप कहने वाले पकड़ने वाले और ये पकड़ाने वाले, ये फिक्रे मत कहें। और जब वो कहते हैं जी अभी तो शहबाज शरीफ गए फलाना जाएंगे, तो ये फिक्रे कहां से, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। आप फ्लोर ऑफ द हाउस आपको याद होगा चोरी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी पहली टॉक की फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने बार बार कहा कि शेख रशीद साहब को पहले पता था, और कैसे पता था उनको? नहीं, ये सब चीजें देखे ना, आप इसको एक्सप्लॉइट जब कर रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोगों की तवज्जो दिलाके एक सिंपथी गेन करते हैं कि जी हम अब देखे ना, बहुत आसान से कहा जाता है जी इमरान खान बहुत नेक और बहुत शफाफ है। आप सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब वो प्राइवेट जेट पे उमरा करने गए थे उसका पेमेंट किसने दी? क्या इमरान खान ने अपनी जात से दी? जिसने भी दी तो उसका वो तो करप्शन का जुमरा आया, वो कौन सा जुमरा ना आया? अगर आपने किसी और के पैसे पे जाके उमरा कर रहे हैं और प्राइवेट जेट में जा रहे हैं तो हिबा भी हो सकता है। नहीं, मैं बात सुन ले, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं, बात हिबे की नहीं है, टूट भी जाता है, मेरी बात सुने, बात हिबा की नहीं है, बात ये हो रहा है कि जो पैसा आप किसी वो करप्शन का रास्ता तरीका, अगर उन्होंने जेब से नहीं दिए तो फिर गिफ्ट वाला मामला भी तो नहीं, गिफ्ट किसने होगा, कौन गिफ्ट करेगा? उसके भाई है बहन, वो जो एक नैब ज़्यादा को, नहीं नहीं वो एक बात है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है, उससे आप उसी का तरीका आया ना कि वो जो बुहारी साहब थे एडवाइजर बन गए ना, उसके बाद वही तरीका था अलीम खान साहब मिनिस्टर बन गए, तो आपने ब्राइब पॉलिटिकल ब्राइब तो कर दिया। अगर आप नेक साफ शफाफ है तो फिर कह जी मेरी मेरे मीन्स इतने में खर्च करना, इससे आगे नहीं जाना। आप कह रहे हैं सादगी का, आप कह रहे हैं मैं मस्जिद बना दी बनी गाला के अंदर, बनाई किसने? आपका घर जो जमान पार्क में उसकी कंस्ट्रक्शन किसने की? ये भी इंक्वायरी अभी करवा के देख लो, पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए मत ऐसे चीजों को एक्सप्लॉइट करें, हर बंदा इसके अंदर उसी तरह से, अगर मैंने कोई अपनी पोस्ट के ऊपर बैठ के 2 रुपए का भी फायदा उठा लिया, मैं चाहे हेड ऑफ द पार्टी हूं, तो उसके हिसाब से तो वो तो मेरी करप्शन के ऊपर है। आपकी क्यादत भी जो है वो सर्कल है काफी देर से, और बड़े आम लोगों ने अभी तक वो गिरफ्तारी होने नहीं दी। देखिए बात ये बात ठीक है नहीं, वो तो देखे आप बड़े बाखबर हैं चोरी साहब, वो तो कोर्ट थोड़ी कोर्ट ऑफ लॉ से आप बच रहे ना, वरना इनकी तो कोशिश है। देखिए बात यह कि हम कहते हैं आप हमारे गलत है तो हमारे भी पकड़े, जो भी गलत है पकड़े, लेकिन अगर एक को पकड़ना तो दूसरे को भी पकड़े, ठीक है। एक के लिए आपने रखा हुआ है कि नहीं जी आप आए चले जाए, आए चले जाए, दूसरे को आप गिरफ्तार करके कहते हैं जी हमने पकड़ लिया। ये तरीके से लोगों के अंदर शकूक को शबात बढ़ते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, आपने बाय इलेक्शन में देख लिया उसी विक्टिमाइजेशन का रिजल्ट आया, नजर आ गया, लोगों ने नहीं मानी उस चीज को। चोरी साहब, एजाज मियां साहब, ये जो रिजल्ट आप देखते हैं बाई इलेक्शन का,
तो ये इसमें हुकूमत की पॉलिसी का ज्यादा कसूर था या ऑपोजिशन ने बड़ी लगन के साथ हल्के पे सर्वेस अपने किए और बड़े प्रॉपर कैंडिडेट्स खड़े किए, क्या हुआ क्या बेसिकली? देखें, ये जो रिजल्ट्स थे इसकी वजह यही है कि जो महंगाई एकदम आई है, कॉमन मैन जो है इससे खुश नहीं है और ये उन्होंने इलेक्शन में लोगों ने यही वर्डिक्ट दिया है और इनकी प्लानिंग नहीं थी। देखें, मुल्क में इस वक्त बड़े इश्यूज हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, स्टॉक मार्केट्स है, डॉलर्स हैं, एक्सपोर्ट्स का जो हमारी डाउन जा रही हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, बट उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो महंगाई की सूरत में होना था, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी, कोई होमवर्क होना चाहिए था लोगों को रिलीफ के लिए। मैंने अभी तक कहीं भी प्राइस जो कंट्रोल कमेटीज होती थी, ट्रेडिशनली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती थी, वो मुझे कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आई। गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई होमवर्क नहीं। इनको चाहिए थे कि उसी वक्त जो था कि जो ये सेगमेंट है इनके 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 रिलीफ के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाने चाहिए थे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि 100 डेज प्रोग्राम थियोडोर रोजवेल्ट ने 1934 में ग्रेट डिप्रेशन में दिया था। उनके मैक्रो इशू बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके उनके साथ ये सोशल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने $400 मिलियन रखे ताकि कॉमन मैन को रिलीफ मिले। इन्होंने कॉमन मैन के लिए कोई काम नहीं किया और यही रिजल्ट निकला, यही इसका रिजल्ट निकला कि कॉमन मैन को इन्होंने जो पुअर कम्युनिटी है, सेगमेंट है, उसको उन्होंने स्टेटमेंट भी आई कि नहीं किया। महंगाई जो है वो कुछ और अरसे के लिए, वो देखे ना, उनके पास आपने कोई है ही नहीं। अब मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ, ये भट्टों की है कि भट्टों को कहा गया जी कि आपने बंद करना है, बंद तो कर दिया, लेकिन जो प्राइसेस इंक्रीज उन्होंने की कि 8,000 रुपए से ईंट का कीमत चली गई 12,000 रुपए और फिर 16,000 और फिर उन्होंने पूछने को नहीं। मैंने खुद फोन किया चीफ मिनिस्टर हाउस में, मैंने उन्हें कहा जी इनकी आप अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो कंट्रोल करें, प्राइसेस इंक्रीज तो नहीं ना, या तो ना कॉस्ट की बढ़ी हो तो फिर तो प्राइस इंक्रीज कर ले। वो पुराना स्टॉक जो पड़ा था, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ये है कि हमने किस तरीके से ये शोर डालना है और काम कुछ नहीं करना। जब आपने टास्क फोर्सेज आज बना रहे हैं, आज जो एक नई टास्क फोर्स बनी ब्यूरोक्रेसी की, अब देखें उनकी पूरी लिस्ट उठा के देख लें, वो कौन लोग हैं जिनको ये आपने टास्क फोर्स में डाला, वो क्या इनको आज राय देंगे? वो वही मुशर्रफ की पुरानी टीम है, उसको सलमान शाह साहब को हेड बना दिया गया, बाकी नीचे सारी टीम बन गई। तो क्या वो रिफॉर्म्स चेहरे बस बदलें, चोरी साहब कुछ और क्या लेके आएंगे? ये रिफॉर्म्स इस तरह नहीं आते थे। आपके 22 साल की आप स्ट्रगल कह रहे हैं, 22 साल में आपने ना शेडो कैबिनेट बनाई, ना आपने होमवर्क किया, ना आज आके आप ट्रायल एंड एरर की बात कर रहे हैं। आज के ट्रायल एरर को कौन जानता है यार? आज ट्रायल एरर का वक्त नहीं है, आज इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। मियां साहब रहे हैं डीसीओ लाहौर, इनको पता है कि इन्होंने उस जमाने में किस तरह कंट्रोल किया था प्राइसेस को, किस तरह इन चीजों को देखा जाता था। हालांकि वो एक पब्लिक का दौर था, उस वक्त पब्लिक दौर थे, ये था कि नाजम के अंदर सब आते थे, लेकिन लोगों को अगर रिलीफ उस वक्त मिल रहा था तो लोग तो उसको याद करते हैं, लोग ये नहीं याद करते कि किसने क्या किया। आज के दौर में क्या दिया जाता है? जो कमेटियां जैसे उन्होंने कहा बनाई जाती है, यहां को सस्ते बाजार लगाए जाते हैं, सब चीजें तो बंद कर दिए जा रहे हैं। आपने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बंद, ये चीज बंद, जहां भी कोई 2 रुपए का भी बेनिफिट किसी गरीब आदमी को मिल रहा था वो बंद। इसकी वजह क्या है? जी हजरत साहब, इसकी वजह मैं इसमें जो मैंने अब तक देखा है, बल्कि मैं क्या ब्यूरोक्रेसी जो खुद इजलासों में जाती है, उनका ये ख्याल है कि शायद वजीर आजम इमरान खान साहब पावर्स किसी को नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं पंजाब का वजीर आला भी मैं रहूं, फुजरा भी मैं रहूं और मैं मेरे ऑर्डर चले। इसी वजह से वो पंजाब में आके सूबाई कैबिनेट के मीटिंग के इजलासों की खुद भी सदारत करते हैं और यहां तक के डायरेक्टर्स को भी बुलाते हैं, उनके भी इजलासों की सदारत करते हैं। और एक अफसर ने, मैं उसका नाम मुनासिब नहीं है, उन्होंने तो बात करते हुए ये तक कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब को शायद अभी उनके इलम में यह बात नहीं आई कि जो नोट होते हैं उसके ऊपर नाम लिखा जाता है। अगर उनको यह पता लग जाएगा ना, इस पे नाम भी मेरा लिखा जा सकता है, नहीं नहीं, तो शायद वो, पता है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी जो है नाम भी लिखवा लें और कोई कैबिनेट से मंजूरी करवा के साथ में तस्वीर भी शायद करवा दें। बम्पर के साथ देंगे मीटिंग मिनट्स एक्सक्लूसिव, दुनिया मीडिया ग्रुप ने हासिल कर लिए, तो वो तो सारी बात है। जी मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब फहद भाई, मैं ये थोड़ा सा इजाफा करता चलूं, भाई ने बात की है, बड़ी खूबसूरत बात की है। मलिक साहब आपकी, देखें आप वार्म बॉर्डर्स में हैं, हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यही हालात तो शबाशी साहब के पास है, सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री लेकिन अब वो फेडरल से चल रही ना। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, अब मुकाम का भी फर्क है, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, जमानो मुकाम का। इन्होंने ये समझा था कि अपना जो है गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे और सारे मामला जो है वो हमारी पॉकेट में होंगे, और इन्हें ये नहीं पता था
कि इसमें जिस तरह अब ये बातें हो रही है ना कि 56 कंपनीज का काम अभी जो सामने आया, इसमें ऑडिटर जनरल जो है वो सारा ऑडिट करके और सामने रिपोर्टें ले आए। मैं कह रहा हूं ये कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, जो प्रोजेक्ट ये शुरू करेंगे इनके पास कुछ नहीं है बिल्कुल। अब ये जिस तरह इन्होंने अभी अपना हमारे भाई ने कहा है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक टीम की शक्ल में वो इकट्ठे किए, इन्होंने उनकी लिस्ट आ गई है, टाइम खत्म। तो मैं ये कहता हूँ कि वो मलिक साहब वो भी तो वही है। बहुत शुक्रिया मलिक वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद चौरी साहब शुक्रिया, आजाद मियां साहब बहुत शुक्रिया, हसन साहब बहुत शुक्रिया। और कुल मिला के कहानी ये है कि सरकारी कंपनियों में 2,14,80,98,00,000 और 50,000 की माली बेजाबतियों की निशानदेही हो चुकी है, और ये मामला जो है वो नैब के पास हैं। फाहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।